डालो अपनी लाडली बहू को। ज्यादा रोक टोक लगाने की जरूरत नहीं है मुझ पर। वो टी है, वो टी बन कर रहे। मेरी मां बनने की जरूरत नहीं है। पूछो इससे कि ऐसी कौन सी बात हो गई जो इसने अपने हाथ की नस काट ली। इसमें इतना गला फाड़ फाड़ के हंसने की जरूरत है? वो सही तो कह रहा है मेरा पुत्र। आज तक मैंने कभी रोक टोक नहीं की इस पर, और ये आ गई। अजी वाह, ये उसी का नतीजा है प्रीतो। अब वो कसर जो है ये बहुरानी पूरा करे। बैठ बैठ बैठ। आज मैं तुझे जिंदगी का एक छोटा सा अपना एक नसीहत देता हूं। नसीहत कोई ये शादी ब्याह ये कोई कोई मेला नहीं होता। ये शादी ब्याह बड़ी गहराई का मामला है। पूरी जिंदगी साथ चलना होता है। कोई जरूरी नहीं है कि दो तबीयतें मिल जाएं, कोई जरूरी नहीं होता। लेकिन आदमी को एडजस्ट करना पड़ता है। कभी तू उसकी बात सुन ले, कभी वो तेरी बात सुन ले, और तू उसकी बात सुन लेगा, कोई छोटा थोड़ी हो जाएगा। बड़ा लंबा सफर है ये जीवन का। ऐसे मिलजुल के ना आपस में इतना होता है बड़ी खुशनुमा तरीके से। एक मिनट बहू रानी, कहा था ना आपसे कि एक आप ये हैं बहू रानी जी जो हमारे परिवार को ना ऐसे जोड़ दोगी, खुशियां फैला दोगी। हां जी सच कह रहा हूं मैं। भैन जी मैं ठीक क्या ना? हाँ। मेरा ख्याल है कि वीरन होए, मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों को कुछ वक्त पहाड़ों में चले जाना चाहिए, एक साथ बताना चाहिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। वीरन एक काम कर तो यार, वो टिकट बुक करा दे, हैं? शिमला की टिकट बुक करा दे, शिमला। क्यों भी हरमन, तेरी टैक्सी बुक करा दूं या ट्रेन की टिकट? ये रिश्ता मैंने सबकी मर्जी से जोड़ा था, पर इसे निभाऊंगा मैं अपनी मर्जी से। ब्रेक लगा, ठीक है समझ गया, लेकिन गल कान खोल के सुन ला है। जे आज के बाद बहू रानी पे एक उंगल भी लगाई ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस दारजी आपसे कोई मिलने आया है। और मेरा मुंह की तक रहे, जा बुला अंदर। जी चढ़दी कला, चढ़दी कला। मैं क्या सत श्री अकाल। कैसे आगमन हुआ आप सब लोगों का आज यहां?
आगमन कैसे ना होता? हाँ, बेटा ब्याह ले आए, इतनी खूबसूरत बहू घर लेके आए, और खूब सारा नेक लेके जाएंगे नेक। भाई हम लोग तो बिन बुलाए मेहमान हैं। जहाँ खुशी आती है वहां हम चल देते हैं। उनकी खुशी को दिन दुगनी रात चौगनी करने। आज तो हम यहां नाचेंगे गाएंगे और खूब सारा नेक लेके जाएंगे नेक। हा हा हा, क्या बात। मैं क्या, वो ब्याह के दूसरे दिन तो आए थे आप लोग, नाच गाना भी किया, नेक भी ले गए। अरे सेठान, क्या बात कर रही हो, कोई वो भी कोई नाच गाना था? आज मैं अपनी पूरी पलटन को लेके आई हूँ साथ। और वैसे भी अभी तक बहू की मुंह दिखाई भी नहीं हुई। पर कोई गल नहीं, आ गए ना तो ये जब आते हैं तो वो खुशियां फैलाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ओ मेरे पुत्र को एक स्पेशल आशीर्वाद देके जाएं, हैं? और मेरी बौरानी जी को नेक की परवाह ना करी। अच्छा तो ऐसा है, तो मन चाहे चीज ले जाएंगे हम नेक में। मिलेगी। शायद इनके आशीर्वाद से ही हमारे घर के सारे स्यापे खत्म हो। जा। तुम्हारी असली जगह कौन सी है? तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें लेने आए हैं। हरमन ओए, ओ आजा, तू भी आ जा। आजा यार। आजा, आजा, आजा। बस आ जा, बस इधर आ। ए लीजिए आपका नेक। वही तो, किन्नरों पे लुटाने के लिए करोड़ों हैं इनके पास, पर हमें देने के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं।
कहीं भी शुरू हो जाती है मुंह बंद रख अपना। खुश है? बड़े दिल वाले हो जी आप लोग तो। और कोई चारा ही नहीं। एक बात गांठ बांध ले, ये तेरे सगे लोग नहीं है, मैं हूं। ये लाड प्यार बस चार दिन की चांदनी है, जिस दिन असलियत पता चल गई ये तुम्हें बाहर फेंक देंगे। जा रही हूं, आऊंगी जल्दी। चलो रे चलो 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 चलो। हूं मैं क्या बहन जी, अब तो सौम्या की तबीयत भी ठीक हो रही है और रब का आशीर्वाद है कि मियां बीवी में अब बनने भी लगी है। तो आप अपना सामान बांध लीजिए, मैं ड्राइवर से कह देती हूँ कि आपको और सुरभि को कल सुबह आपके घर छोड़ा है। तो तेनु किन्नी वरी की है, ढक्कन बंद रखा कर। हमारी बहुरानी की मम्मी है, समझन है हमारी, है उनका अपना कार है, वो जब जी चाहे आए जब जी चाहे जाए, जितना मर्जी रह सकती हैं। वही तो मैं भी कह रही हूँ जी, दामाद का घर है, दामाद के घर इतने दिन रहना किसको अच्छा लगता है। मैं जानती हूँ आप कह नहीं पा रही, लेकिन आप भी तो परेशान होंगी ना। वह मनिंदर भाई साहब कैसे रह रहे होंगे, उनके खाने पीने का ध्यान कौन रख रहा होगा। जी आप ठीक कह रही है, हम भी बस यही सोच रहे थे कि अब चले जाएंगे, क्योंकि आप लोग तो हैं सौम्य का ध्यान रखने के लिए। जी मुझे लेने आए थे, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ, उनके साथ मुझे नहीं जाना है। दी बैठो, कुछ नहीं होगा दी, आपको कोई नहीं लेकर जाएगा, घबराओ मत। सुना सुनो, तू चिंता ना कर पुत्र। माँ आप दोनों वापस मत जाइए ना, मैं आप दोनों के बिना कुछ नहीं कर पाऊंगी, प्लीज माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। दी, ये आपकी लड़ाई है और आपको खुद ही लड़नी होगी। हम कब तक आपके साथ रह सकते हैं हाँ? और वैसे भी सिर्फ दो हफ्तों की तो बात है, एंड आई एम श्योर कि मेरी दी दो हफ्तों तक तो इसे आराम से हैंडल कर लेंगी। कर लोगे ना? तक अपनी जिंदगी भी ऐसी थी, हंसती खेलती, और फिर ये सयावा हो गया। अजीब है, थोड़ी सी तो अजीब है मेरी भाभी, बड़ी सेंसिटिव सी, सीरियस टाइप,
कुछ तो स्पेशल है, और लेकिन स्पेशल वाला स्पेशल। ओ वीरे, ओ तू ना एक काम कर, तू ना पहले उनके दिल को समझ और फिर मुझे आके समझा, फिर मैं तुझे समझाऊंगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। हाँ क्या हुआ वीरे, और क्यों गुस्से में धर्मेंद्र हो रहा है? और तेरी हेमा मालिनी ने मान जाना है। और तो पिया ना फोन करती है ना फोन उठाती है, है का ये? काम हो गया कि नहीं? नहीं फिर नहीं। अरे चल क्या रहा है ये? तू गई नहीं क्या उसके पास? गई थी, परिवार का प्यार और इज्जत है उसके साथ, इन सब के बीच में से उसे लेके आना इतना आसान नहीं है। प्यार और इज्जत, अब ये सब जान देगी क्या तू मुझे? क्यों नहीं, मुझसे ज्यादा कौन जानता है इन दो शब्दों के मायने। हम किन्नर हैं, दुनिया वाले हमें इज्जत और प्यार नहीं दे सकते, अगर दे सकते हैं तो सिर्फ नफरत। इसलिए हमने अपनी अलग दुनिया बसा ली है, घर परिवार रिश्ते नाते बड़ों का आशीर्वाद अपनों का प्यार, ये सब सपने हैं हमारे लिए। और सौम्या, सौम्या इन सपनों को जी रही है। जी लेने दो, एक ना एक दिन उसे मेरे साथ आना ही है। बटोर लेने दो उसे उसके सपने, फिर तो उसने इन सपनों की यादों के सहारे ही जिंदगी काटनी है। बनकर बनकर तू ये बकवास, बनकर तू ये, पिछले 21 साल से किन्नर होकर तो एक किन्नर को भी जगह नहीं दिखा पाई। प्यार और इज्जत और रिश्तों के बारे में सिखाएगी तू मुझे? सिखाएगी? अरे मुझसे ज्यादा बेहतर और कौन जान सकता है? वही तो, तेरे पास है और तुझे कदर नहीं है। मेरे लिए इन शब्द का ख्याल भी बहुत कीमती है। तू मेरी ये सुनना बाकी रह गया था, पता नहीं और क्या क्या गुल खिलाएगी ये सौम्या। कर लीजिए और आप बिस्तर पर सो जाइएगा, मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊंगी। जी मुझे मत बताओ क्या करना है, ये मेरा कमरा है, जहाँ मर्जी आएगी सोऊंगा और जो मर्जी आएगी करूंगा। मैं काम से काम रखो। अच्छा दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। घिन आती है मुझे तुमसे, तुमसे, तुमसे। बीवी नहीं बन सकती, तो बीवी वाले हरकतें भी मत करो, मत करो। दूर, दूर, दूर। हरमन का तू इंतजार कर रही है ना, वो भी इसी समाज का हिस्सा है, और जिस दिन उसे पता चल गई सच्चाई वो घर से बाहर फेंक डालेगा। ये मर्दों और औरतों की दुनिया है ना, इनके बीच में एक
अधूरी सी जगह है बस हमारी। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.